सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो के अंदर यार अपन 4G खेलने जा रहे हैं और तुम डाउनलोड कर सकते हो, आप प्ले स्टोर में आ चुका है। अगर कुछ लोगों के यार प्री रजिस्टर आ रहा हो तो थोड़ा वेट कर लो यार, तुम्हारी भी डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा। तो मेरा यहाँ पे 4G डाउनलोड हो चुका है और आज अपन इसका फर्स्ट लुक करने वाले हैं। और इसे डाउनलोड करना है तो मैंने लिंक दे रखा है, जाओ और जल्दी से डाउनलोड कर लो। और उससे पहले यार हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल ऑफ यू। और यार आज के दिन अपना 4G रिलीज हुआ तो इससे बड़ी खुशी की बात और कोई नहीं हो सकती है। मैं जानता हूँ यार 4G मतलब 4G ने बहुत इंतज़ार कराया है अपने को। ये अक्टूबर एंड में आने वाला था पर अब इतनी लेट आया है, पर फिर भी यार ये वर्थ इट है और गेम भी बहुत अच्छा। 15 जून दोपहर 2 बजे गलवान घाटी, हिमालय की ऊंचाइयों पर भारतीय सीमा का एक सुदूर वीरान इलाका। कॉर्पोरल अहमद बेस को खबर देते हैं कि फॉरवर्ड पोस्ट से झंडा नदारद है। सर देखिए वहाँ और भी है। पर्वतों पर उस दिन फौजी कमांडोज अकेले नहीं थे। दुश्मन सैनिकों ने गिरते पत्थरों की आग लेकर फौजी यूनिट पर धावा बोल दिया। कबीर बेस कैंप स्क्वाड 3 का भारतीय क्षेत्र में घुसपैठियों से सामना हुआ। रिपीट, स्क्वाड 3 का दुश्मनों से सामना हुआ। लेफ्टिनेंट सिंह की पेट्रोल 3 टीम को जिस आखिरी विरोधी का सामना करना पड़ा वो थे भूस्खलन से गिरे पत्थर और चट्टान। और फिर अंधेरा छा गया। 6 घंटे बाद जब लेफ्टिनेंट सिंह की आंख खुली तो उनका सर चकरा रहा था। पहाड़ से हुई पत्थरों की उस बौछार से खरोंचों और घावों के साथ उनके सर पर भी चोट आई थी। अहमद, ढिल्लो, रवि। फिर भी उनकी हालत उन दोनों फौजी भाइयों से बेहतर थी जो उनके पास बर्फ में शहीद हो चुके थे। कम से कम वो जिंदा तो थे। भारतीय सेना बिना लड़े कभी हार नहीं मानती और फौजी कभी पीछे नहीं हटता। ये लड़ाई ऐसे खत्म नहीं होगी, मैं ऐसा होने ही नहीं दूंगा। बहादुरी, भाईचारे और भारत के लिए फौजी। तो गाइस तुम्हें ट्रेलर कैसा लगा इसके बारे में मेरे को पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें कोई गुंजाइश नहीं है यार कि ट्रेलर इतना ज़ोरदार था। और अब अपन इसके गेम प्ले को भी देखने वाले हैं तो यार वीडियो को एंड तक ज़रूर से देखना। और यहाँ अपना गेम शुरू होता है। तो यार गेम देखो बहुत ही अच्छा है। देखिए मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ, मैंने खेल रखा है इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मैं कमेंट्री कर रहा हूँ। और यहाँ पर यार गेम बहुत ही प्यारा है, ठीक है, जितना सोचा था उससे भी अच्छा है मुझे तो लग रहा है, ठीक है। मेरे ओपिनियन में मेरे को तो बहुत अच्छा लगा ये गेम। और देखो यार अगर तुमने ये सोचा था कि ये गेम पबजी जैसा होगा तो यार ऐसा तुम्हें नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि पबजी और फौजी अलग अलग गेम है, ठीक है। पबजी के अकॉर्डिंग बिल्कुल भी नहीं बनाया था इस फौजी गेम को। और यहाँ तुम देख सकते हो यार इसकी ग्राफिक्स वगैरह बहुत ही प्यारे हैं, ठीक है, अभी तक तो बहुत ही अच्छा लगा है। और मेरा गेम यार अभी तक कहीं भी नहीं अटका है, मतलब कुछ भी बग वग तो मेरे को कहीं दिखे नहीं है। और यहाँ पे अपने को यार से अपने को अभी वेपन नहीं मिलते हैं, ठीक है, वेपन अपने को मिलता है पर गन वगैरह नहीं मिलती है, ठीक है। और यहाँ पे अपन एक हीलिंग का देख सकते हैं, अपन अगर ये आग के पास जाके बैठेंगे, ठीक है, यहाँ पे तो तुम्हारी जो हेल्थ है वो बढ़ने लग जाएगी। तो अभी तुम देख सकते हो यार मेरी जो ऊपर हेल्थ है ग्रीन कलर की वो बढ़ रही है। यहाँ पे जैसे आके तुम बैठोगे तो तुम्हारी हेल्थ बढ़ जाएगी और फिर से यार तुम जा सकते हो अपने मिशन पे। तो यार ये गेम बहुत बढ़िया है और पूरा गेम देखना है, मैं अभी बस आगे मैं कमेंट्री नहीं कर रहा हूँ। और मिलते हैं अगली वीडियो में गाइस, टेक केयर एंड बाय गाइस।
जहां एक घुसपैठिया होता है वहां और भी होते हैं। कॉर्पोरल, तुम कहाँ हो? मैं अपनी टीम को ढूंढ लूंगा और फिर हम इन बेहुदा लोगों को वापस घर भेज देंगे। अभी तक मेरे फौजियों का कुछ अता पता नहीं। और घुस बैठिए, ये यहां क्या कर रहे हैं? मैंने जितना सोचा था हालात उससे कहीं ज्यादा बुरे हैं। तो हो जाए। एक और क्या, ये कोई आम बॉर्डर पेट्रोल तो नहीं है? तुम कायरों ने मेरे आदमियों को कहां छिपा रखा है?